सुलगन बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। दिल्ली भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर जमकर साधा निशाना। योगी की रैली से उत्साहित हुए भाजपा प्रत्याशी और समर्थक। हल्द्वानी के गोलापार में लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी के समर्थन में हुआ सभा का आयोजन। हल्द्वानी में बाबा साहेब को किया गया याद, निकाली गयी शोभा यात्रा। गौशाला में लगी आग, जिंदा जला बछड़ा, वही आग बुझाने में झुलसे कई ग्रामीण। लोहाघाट में सुरक्षा कर्मियों ने किया मतदान। चंपावत के सीमांत क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने रोड शो कर मांगा जनता का समर्थन। डीएलएड प्रशिक्षुओं का 7 दिवसीय बेसिक स्काउट मास्टर एंड गाइड कैप्टन शिविर का हुआ समापन। अब तो चला है खबरों को विस्तार से जानने का। दिल्ली भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने उत्तराखंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी कल उत्तराखंड में आई थी और 2 जनसभाएं की जहां वह महिलाओं की बात कर रही थी। ममता काले ने प्रियंका गांधी से सवाल पूछा है कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर आपने किसी महिला को टिकट क्यों नहीं दिया है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। आने के लिए तो नहीं आई हूँ, चुनावी महापर्व है। मैं सिर्फ कुछ चीजें प्रियंका गांधी वाड्रा जी से पूछने आई हूँ और पूछना चाहती हूँ उत्तराखंड की बेटी होने के नाते। वो ये कि आप देवभूमि में आए, मुझे सिर्फ ये जानना है सम्मान के साथ कि आपने 5 लोकसभाओं में से एक भी महिला को उत्तराखंड के अंदर टिकट नहीं दिया, वो क्यों नहीं दिया? क्या आपको महिला मातृशक्ति पर यानी भारतवर्ष की आधी आबादी पर भरोसा नहीं है? क्या आपके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं था जिसको आप महिला होने के नाते चुनाव में उतारती? आपने ऐसा क्यों नहीं किया? उसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा उस पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं जहां पर 2 पावरफुल महिलाएं, बाय द वे सोनिया जी और प्रियंका जी, पूरी पार्टी को आज कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अपने भाई जो मोहब्बत की दुकान वाले हैं उनके साथ। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा इन्होंने चुनाव में दिया था यूपी के, और जो उसकी पोस्टर गर्ल थी उसी को AICC के भवन दिल्ली के बाहर उनके पिता सहित पिटवा दिया, और बहुत बुरी तरीके से पिटवा दिया, क्योंकि वो लड़की सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को आई बिलीव बधाई देना चाहती थी जब वो अध्यक्ष बने, और प्रियंका दीदी से वो मिलने जाना चाहती थी, ऐसा उन्होंने बोला। ये आप नारी शक्ति की और नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं? आज आप लोग बोलते हैं कि हम महिलाओं को अगर 2024 में चुनाव जीते तो 1-1 लाख रुपए देंगे। इस भारतवर्ष की पावन भूमि में कांग्रेस पार्टी ने प्रत्यक्ष रूप से 55 साल से ज्यादा समय तक शासन किया है, तो तब आपने क्यों महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूं कि 33% रिजर्वेशन जिसको देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से हम सबको दिया, देश की आधी आबादी को दिया, उसको सोनिया जी ने क्यों नहीं पास करवाया यूपीए के कार्यकाल में, जब एक्चुअली सोनिया जी इस देश की सुपर प्राइम मिनिस्टर थी? एक महिला होने के नाते आपने तब उस वक्त क्यों नहीं उस चीज को करवाया? जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा महिलाओं के बारे में, उस पर प्रियंका गांधी वाड्रा कुछ क्यों नहीं बोलती हैं? उस पर प्रियंका गांधी वाड्रा क्यों चुप हो जाती हैं? इनकी एक राष्ट्रीय प्रवक्ता बोलती है बीजेपी की एक कैंडिडेट के लिए, मंडी में क्या भाव चल रहा है? आप सब इसका मतलब समझते हैं? एक महिला के बारे में इस प्रकार की शब्दावली और उस पर चुप्पी साध दी जाती है, और उसके बाद बोला जाता है कि पता नहीं किसने कर दिया ये तो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे ट्वीट, हमें पता ही नहीं है, आज तक वो व्यक्ति खोजा नहीं गया। वैसे तो ये खोद खोद के सब कुछ निकाल लेते हैं, जिसने लिखा था वो उसका पता नहीं है, यानी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी सुरजेवाला साहब ने बोला हेमा मालिनी जी के लिए, जिस शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया है, सोनिया जी की उम्र की है हेमा जी, इस प्रकार के शब्दावली का इस्तेमाल करने वाले नेताओं के ऊपर प्रियंका जी कभी कुछ नहीं बोलती। राहुल गांधी जी कुछ कुछ बोल जाते हैं, उन पर कुछ नहीं बोलती। तो फिर आप कैसे, मतलब किस नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं? मुझे ना ये महिला होने के नाते बड़ा बेमाना लगता है, और दुख ये होता है कि देवभूमि में आकर के अगर आप ऐसा बोलेंगे तो ये गलत है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर्पण नमकीन। हल्द्वानी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली होने के बाद भाजपा के प्रत्याशी अजय भट्ट और भाजपा संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली के बाद केंद्रीय मंत्री और नैनीताल लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी अजय भट्ट ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए हजारों हजार लोग यहां पहुंचे और उनके ओजस्वी संबोधन से एक एक कार्यकर्ता उत्साहित है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सजा नहीं सवारने का होगी, या तो जेल होगा या जहन्नुम होगा, तीसरी जगह नहीं। कहां जाना है? और बहनों और भाइयों, आज देखते होंगे दंगा समाप्त, 7 वर्ष में कोई दंगा यूपी में नहीं हुआ है।
कर्फ्यू नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं। अब तो कावड़ यात्रा धूम धड़ाके के साथ निकलती है वहां पर, हर हर बम बम के साथ। पहले उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में लोगों को ये गलत फहमी कुछ लोगों को, कुछ माफिया अपराधियों को होती है कि यहाँ अपराध करके हम उत्तराखंड भाग जाएंगे। मैं कहता हूँ तुम उसको उस लायकी में छोड़ूंगा नहीं कि तुम उस पार जा पाओगे। उस लायक छोड़ूंगा ही नहीं कि देवभूमि को पवित्र कर सको। अपने कामों की वजह से हिंदुस्तान नहीं, यूपी नहीं, विश्व के अंदर इनकी ख्याति है। लोग देखना चाहते हैं कि वो योगी आदित्यनाथ कौन सा चेहरा है, वो क्या पर्सनालिटी है जिसने आम लोगों का जीवन को सुकून पहुंचाया है और अपराधियों को विवश किया है कि अपराधी या तो ऊपर जाएंगे या जेल में जाएंगे। आम जनता के जीवन को सहूलियत पहुंचाई है, उस व्यक्तित्व को उत्तराखंड के लोग देखना चाहते हैं। ये पर्सनालिटी वो है जो उत्तराखंड का पानी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के निवासी हैं और उन्होंने अपने कामों की वजह से पूरे विश्व में धूम मचाई हुई है। आज चुनावी सभा में आए हैं, निश्चित ही पहले से ही उत्तराखंड की पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ आने से निश्चित ही वोटों में बढ़ोतरी होगी, ये हमारा मानना है। क्या काम किया है, मैं कहता हूँ बीजेपी ने हिंदुस्तान के लिए जो होना चाहिए अच्छे काम, जैसे हम कहते हैं कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भारत एक है, लेकिन मैं आर्मी का बंदा हूँ, मैं जानता था कश्मीर का झंडा अलग था, वहाँ के नियम अलग थे, कानून अलग थे, लेकिन अभी मोदी जी ने पूरा एक कर दिया है। सत्ता की लड़ाई अयोध्या मंदिर के लिए होती थी कि हम बनाएंगे, लेकिन किसी ने नहीं बनाया, लेकिन मोदी जी ने अयोध्या का मंदिर बना करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे आराध्य जो थे, हिंदुस्तान के जो आराध्य थे, सबके लिए उन्होंने अच्छा काम किया है। और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम मानवता के लिए किए उन्होंने, ये मोदी जी ने काम किया है। और हम इसलिए आर्मी निष्पक्ष होती है, किसी पक्ष में नहीं होती है, इसलिए हम मोदी जी का और योगी जी का सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू। मोदी जी ने पूरा देश बदल दिया है। 370 खत्म करना हो, राम मंदिर बनाना हो, गरीबों को रोजगार देना हो, गरीबों को घर देना हो, उज्ज्वला योजना में गैस देना हो, ले लद्दाख तक सड़क, देश की पूरी सीमाएं सुरक्षित कर दी है। तो जो ऐतिहासिक काम योगी जी ने, मोदी जी और योगी जी और धामी जी ने किए हैं, उसको लेकर के आज पूरा विश्व इस बात से बड़ा, आपकी बार 404 पार, केवल 400 नहीं 404 पार, जिस तरीके से पूरी पब्लिक, पूरी जनता, एक एक बच्चा, एक एक महिला जो योगी मोदी जी के साथ, धामी जी के साथ खड़ी है, उससे निश्चित है कि जो है 404 पार होगा। देखिए पिछले चुनाव में 300 पार का नारा दिया था, 303 सीटें आई थी, इस बार 400 पार का नारा दिया है, 404 से ऊपर सीटें आएंगी और सारा भाजपा मय, पूरा प्रदेश, पूरा भारतवर्ष जो है मोदी मय हो गया है और अवश्य ये सपना साकार होगा। आपका नाम? हमारे योगी आदित्यनाथ हमारे बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के, और उन्होंने यूपी में बहुत अच्छा काम किया है। हम योगी जी को अपना भी पीएम बनने की बहुत शुभकामनाएं देते हैं, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। योगी और मोदी का नाम ही हम कह नहीं पाते हैं कि जो बहुत अच्छा, बहुत स्नेह प्यार से किया गया है। बीजेपी ने शिक्षा के रोजगार से लेके माफिया तक में कमर कस के रखी है। माफियाओं का शिक्षा के जगत में कसा हुआ शिकंजा था और माफिया का समाज में कसा हुआ शिकंजा था, जो बाबा जी ने खत्म किया। सबसे पहले हमको बाबा जी ने ये रूप देखते हैं, मुख्यमंत्री सरकार उत्तराखंड की जो किया, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य किया है, हमें काफ़ी भविष्य के लिए उम्मीदें हैं। और जो बाबा जी ने उत्तर प्रदेश में कार्य किया है माफिया के खिलाफ, वैसी आंदोलन माफिया के खिलाफ हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी छेड़ा हुआ है, इसका परिणाम हमें भगवानपुर हरिद्वार में देखने को मिला। जो हरनेम सिंह जो आपके वहाँ के बाबा जी थे डेरा सत्ता के सितारगंज के, उनकी हत्या करने के बाद तुरंत इन पर कार्रवाई करके उनको तुरंत इनकाउंटर करवाया अपराधियों को। बड़ी खुशनसीब है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं और जनता में उत्साहित का माहौल दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अब की बार हमारा 400 पार का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, अब की बार 400 पार, ये कहीं ना कहीं दिख रहा है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते।
पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। हल्द्वानी के गोलापार में आज नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी के समर्थन में एक सभा का आयोजन किया गया। कांग्रेस अनुसूचित प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य द्वारा सभा आयोजित की गई, जिसमें उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी प्रकाश जोशी एवं पूर्व विधायक नैनीताल संजीव आर्य समेत बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और स्थानीय जनता मौजूद रही। इस दौरान वहाँ सभी ने संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती के मौके पर उनकी फोटो पर पुष्प अर्पित किया और संविधान को बचाने का संकल्प लिया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पूर्व विधायक नैनीताल के हमारे भाई संजीव आर्य जी, संजीव आर्य एजेंडा है उसको लेकर उन्होंने इस पूरे संसदीय क्षेत्र में अपनी बात को रखा है, जिनके आवास पर आज बैठक का आयोजन हो रहा है। हमारे सम्मानित संजीव जी, महात्मा गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने इस देश के हर वर्ग को एकजुट कर इकट्ठा कर देश की आजादी की लड़ाई की अगुवाई की। सालों से कांग्रेस को स्थापित करने में जिन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उस सोच को दर्शाती भी है एक नई सोच के साथ। देखो गोला पार में कांग्रेस मजबूत के लिए ही हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और आज जो चुनावी मेला चल रही है, चुनाव जो प्रचार चल रहा है, तो आज कार्यक्रम मेरे निवास स्थान पर था, जिसमें हमारे हम सबके नेता आदरणीय पलारी जी और इस लोकसभा प्रत्याशी श्रीमान प्रकाश जोशी जी, हमारे विधायक जी और जो पूर्व विधायक हैं संजीव आर्य, सब आए थे यहाँ। लेकिन यहाँ का दोस्त देखते हुए, यहाँ के महिलाओं को देखते हुए, युवाओं को देखते हुए, परिवर्तन की पूरी रैली चल रही है, परिवर्तन होना है। और कई वोट ऐसे हैं कि जो खुलकर नहीं आ रहे हैं, और उनको लग रहा है कि कांग्रेस को लाना ही हमारा भविष्य का आगे तय करेगा। जिस तरीके से महिला उत्पीड़न का मामला आ रहा है, और जैसे यहाँ का ये अतिक्रमण के नाम से सूची में बिंदु खत्ता और बागजाला कई गाँव में इन लोगों ने जो अतिक्रमण सूची बनाई है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं इनको भुगतना पड़ेगा। गोद में लिया था, केवल हमने अखबार के माध्यम से, उनके बयान के माध्यम से देखा था, लेकिन अभी तो सुनने में आ रहा है कि उस गांव में कोई लोग भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति तक नहीं पहुंचा पूरे 5 सालों में, क्या 10 सालों में। लेकिन गोद में लेते रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन कांग्रेस जीतेगी और बहुत अंदर जीतेगी। देखिए बागजाला हमारा अनुसूचित जाति समाज का एक बहुत बड़ा गांव है, जहां पर आज हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती में उन्हें नमन करने के लिए, उन्हें प्रणाम करने के लिए तो आए ही हैं। बाबा साहब का योगदान संविधान के निर्माता के रूप में, एक महान कर्मी योग के रूप में, एक पुरुष के रूप में, एक मसीहा के रूप में, हम उन्हें हमेशा उनका नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और उनको सत सत नमन करते हुए यही कामना करते हैं, बाबा साहब ने जो संविधान में हमें मूल अधिकार दिए हैं, हम उनकी रक्षा कर सकें, उनका अनुपालन कर सकें। और निश्चित रूप से चुनाव भी है, चुनाव में हमने यहाँ की महान जनता से, माताओं से, बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से अपील भी की है कि कांग्रेस का जो, कांग्रेस की जो विचारधारा है सर्वधर्म संभाव, कांग्रेस की जो सामाजिक सौहार्द और जो एक न्याय, सामाजिक न्याय की जो परंपरा है कांग्रेस की, उसको दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि किसानों ने जो हमारा दलित शोषित समाज है, जो वंचित समाज है, जो समाज है, उनके उत्थान के लिए, उनके उन्नयन के लिए आज़ादी के बाद लगातार काम किया है, और एक ध्वजवाहक के रूप में कांग्रेस हमेशा मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी रही है। और आज भी यहाँ के जो मसलात हैं, यहाँ की जो समस्याएं हैं, उसको हमने आज यहाँ पर दोहराया है कि हर संघर्ष में कांग्रेस आपके साथ खड़ी है, और हमेशा आपके अधिकारों के लिए,
आपके सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए काम करेगी आश्वस्त किया है। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती के मौके पर शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में शामिल लोगों के ऊपर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम में हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय सहित पार्षद राधा आर्य और सामाजिक कार्यकर्ता विनोद कुमार पिन्नू भी मौजूद रहे, जिन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन पर चर्चा करते हुए उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों पर प्रकाश डाला। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। का जयंती के शुभ अवसर पर पूरे देश में जिस प्रकार से आप देख सकते हैं एक हर्षोल्लास का माहौल है और बाबा साहब अंबेडकर जी जो इस संविधान के निर्माता है, जो हर एक नागरिक जो इस देश का नागरिक है उनके हाथ में संविधान की शक्ति और लोकतंत्र की शक्ति जो बाबा साहब ने दी है, वही एक सोच थी जो एक क्लास में साधारण परिवार का बच्चा जो क्लास में कभी बैठा करता था वो एक देश का संविधान लिखेंगे, क्योंकि एक बाबा साहब अंबेडकर जी जो बहुत ही एक महान इस देश की एक महान व्यक्तित्व में से एक है, आज उन्हीं की जयंती के अवसर पर हम यहाँ पे मीमांसा जी जो यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और मेरा नाम रक्षित मिश्र है, हम यहाँ पे जूस वितरण कर रहे हैं। धन्यवाद। आज बाबा साहेब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 133वीं जयंती है। इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने फूल वर्षा करने की यहाँ पर पूरी तैयारियाँ कर ली है और हमारे द्वारा भोज की व्यवस्था भी अंबेडकर पार्क दमड़ुआ में करी गई है और जिस तरीके से बाबा साहेब ने संविधान का जो संविधान लिखा था उस आज की वर्तमान में उसे बचाने की बहुत आवश्यकता पड़ गई है और मैं सभी भारत देश के समस्त नागरिकों से ये कहना चाहता हूँ कि संविधान की रक्षा के लिए आगे आए। सभी को सबसे पहले अंबेडकर जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं और आज हर वर्ष की भांति इस साल भी यहाँ पर एक हमने जलपान का अरेंजमेंट किया हुआ है। आज हमारी एक बहुत ही बड़े रूप में एक झांकी निकलेगी जिसमें अंबेडकर जी के संदेशों को आगे लोगों को दिया जाएगा और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ पर सभी युवाओं के साथ, और देखिए अंबेडकर जी सभी के हैं इसलिए आज सभी लोग यहाँ पर हम सब मिलकर एक मैसेज भी देना चाहते हैं और इसी के लिए आज यहाँ पर जलपान की व्यवस्था भी करवाई गई है और सभी को अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जो जीवन है और जो पूरा उन्होंने जीवन समर्पित करा देश की सेवा में, समाज की सेवा में, सामाजिक समानता की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। हमारा जो संविधान है जो विश्व का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र जो भारत है जो उसकी रचना हुई उस संविधान के आधार पे, उनका जो योगदान है वो केवल हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में भी अन्य देशों में भी उसका उदाहरण पेश किया जाता है। तो ऐसी महान हस्ती डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर थे, तो मैं विशेष आज श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करता हूँ और कहीं ना कहीं आज की तारीख में मैं यही कह सकता हूँ कि जो संविधान जो उन्होंने रचना करी थी कहीं ना कहीं खतरे में, तो मैं सबसे अपील करूँगा कि मतदान करें, अपने मत का सदुपयोग करें और ये सच्ची श्रद्धांजलि उनके लिए होगी। चैनल के माध्यम से शिल्पकार, दलितों और वंचितों के मसीहा कहे जाने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर जी के 133वीं जयंती की पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूं। जब जब समाज में दलितों और शिल्पकार और वंचितों की बात होती है तब तक बाबा भीमराव अंबेडकर जी को याद किया जाता है और संविधान के निर्माता और उनके माध्यम से मैं पूरे समाज को एक ही बात कहना चाहूँगी कि अभी आप सभी लोग शिक्षित बने, संघर्ष करें, क्योंकि शिक्षा का होना बहुत अनिवार्य है। जीवन में शिक्षा नहीं तो कुछ नहीं, आप शिक्षा के बल पर सब कुछ हासिल कर सकते हैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का, बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। शनिवार दोपहर को चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के नोमाना गांव में ग्रामीण हरिनंदन जोशी की गौशाला में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि गाय का बछड़ा जिंदा जल गया। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि संजय जोशी ने बताया ग्रामीणों के द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं घटना की सूचना पर राजस्व उपनिरीक्षक सुनील मेहरा घटना स्थल पर पहुंचे तथा नुकसान का जायजा लिया। वहीं ग्राम प्रधान सुनीता जोशी ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। संवाददाता लक्ष्मण विश्व की रिपोर्ट। लोकसभा निर्वाचन अंतर्गत तैनात सुरक्षा कर्मियों को पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान की गई है।
जनपद चंपावत की दोनों विधानसभा 54 लोहाघाट एवं 55 लोहाघाट में एक एक फैसिलिटेशन सेंटर, पोस्टल वोटिंग केंद्र तथा सुविधा केंद्र बनाए गए हैं। लोहाघाट SDM रिंकू बिष्ट ने बताया, शनिवार को पोस्टल बैलेट के माध्यम से लोहाघाट के मतदान केंद्र में पुलिस सुरक्षा बलों द्वारा मतदान किया गया है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। आज विधानसभा लोहाघाट स्थित फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है। इसमें जो हमारे सुरक्षा कार्मिक हैं, पुलिस के, PSC के, IRB के, वो अपना वोट यहाँ आके कास्ट कर सकते हैं। इसकी सुविधा इनको प्रदान की जा रही है और 15 और 16 तारीख को जितने भी हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, जोनल मजिस्ट्रेट हैं, मतदान कार्मिक हैं, वाहन चालक हैं, क्लीनर हैं या अन्य एसेंशियल सर्विस में लगे हुए लोग हैं जिनका कि PV कास्ट होना है, वो अपना वोट यहाँ कास्ट कर सकते हैं। ये सुविधा केवल उन्हीं को दी जा रही है कि जिनको PV इशू किया गया है और ED से जिनको इशू किया गया है वो अपने कंसर्निंग बूथ में जाकर ही अपना वोट कास्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार की देर शाम अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत के सीमान टनकपुर व बनबसा क्षेत्र में अल्मोड़ा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अजय टमटा के समर्थन में रोड शो निकाला। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने जनता को संबोधित करते हुए भाजपा की केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा क्षेत्र के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं की विस्तृत जानकारी आम जनता को दी और अपने काम के भरोसे जनता से उनका आशीर्वाद और समर्थन मांगा। संवाददाता लक्ष्मण ऋषि की रिपोर्ट। जगह पहले गांव की संख्या दी गई और पूरे देश के ऐसे हमारे सीमांत के जितने भी क्षेत्र हैं उन सबको पहला गांव कहने का कहा जाने लगा और मोदी जी ने जौलीकॉम, आदि कैला, गुंजी, जागेश्वर धाम आकर हमारे इस मानस खंड को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। जहां वो चार धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, उसके विकास के लिए उन्होंने काम किया है। आज चार धाम में आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, आने वाले समय में मानस खंड की भी यात्रा चलेगी जो हमारे यही टनकपुर से शुरू होगी। भाई बहनों, हमारी बारी है, इसलिए हम सबको सहयोग करना चाहिए और जो 400 बार का जो नारा है उसमें उत्तराखंड से 5 की 5 सीटें बड़े अंतर से यहाँ से जिताकर भेजता है। भाई इतना ही नहीं, अब दूसरी पार्टियां अपने सामने दिखाई भी नहीं है। आप देख रहे होंगे कोई आपसे मत के लिए अपील करने भी नहीं आ रहा है, इसलिए कहीं ये शिथिलता न हो जाए। मैं आम जनता से, अपने बड़े बुजुर्गों से, नौजवानों से, माताओं बहनों से ये अपील करना चाहता हूँ कि 19 तारीख को आपने मतदान करना है, लेकिन आज से, आज 13 तारीख हो गई है, कुल 5 दिन का समय बचा हुआ है। 5 दिन के समय में हम सबको, सारे लोगों को, पूरे क्षेत्र में जाकर कहना है, सबको जो भी मिले, नातेदार, रिश्तेदार, मित्र, भाई, बंधु, आपस में, आस पास पड़ोस के लोग, सबको कहना है कि भाई इस बार मतदान जरूर करना है। मतदान का प्रतिशत कम नहीं होना चाहिए, मतदान हमारे यहाँ का सबसे अधिक हाईएस्ट रेट में होना चाहिए। मैं आपसे यही निवेदन करने के लिए आया हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि आप ऐतिहासिक रूपों से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, हमारे मोदी जी को इसी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, मेरे साथ जोर से उद्घोष करेंगे। मैं कहूँगा आपकी बात। भारत स्काउट गाइड के जिला प्रशिक्षण संस्थान लोहाघाट में चल रहे DLF प्रशिक्षुओं के 7 दिवसीय बेसिक स्काउट मास्टर एंड गाइड कैप्टन शिविर का विशेष प्रार्थना सभा एवं ध्वज अवतरण के साथ समापन हो गया। प्रशिक्षण का समापन करते हुए जिला प्रशिक्षण कमिश्नर श्याम दत्त चौबे ने स्काउट गाइड से उनके द्वारा स्काउट के प्रशिक्षण में ली गई समस्त गतिविधियों को अपने दैनिक जीवन में उतार कर समाज को इसका लाभ देने का आह्वान किया गया। संवाददाता लक्ष्मण बिश की रिपोर्ट। मैं श्याम दत्त चौबे, मैं जिला कमिश्नर भारत स्काउट गाइड में जिला चंपावत। आज यहाँ पर हमारे जो जिला प्रशिक्षण संस्थान डाइट में हमारे इस जनपद के जो DLF प्रशिक्षु थे हमारे डाइट के, इनका 7 दिवसीय बेसिक स्काउट मास्टर शिविर का यहाँ पर विधिवत समापन हो गया। इस समापन अवसर पर आज हमारी जो विशेष प्रार्थना सभा और ध्वज अवतरण के साथ यहाँ पर इस शिविर का समापन किया गया। जो 35 हमारे DLF प्रशिक्षु थे उन्होंने यहाँ पर बहुत ही लगन से हमारे इस कैंप का यहाँ पर लाभ उठाया और पूरे समय के दौरान हमारे 7 दिवसीय में नियम प्रतिज्ञा से लेकर के हमारे टेंट पिचिंग, गांठ बंधन, पाइनियरिंग, कंपास, मानचित्र ज्ञान आदि से लेकर के आपदाओं और इन अन्य जो हमारी सामाजिक गतिविधियाँ हैं उन पर जो विशेष ध्यान केंद्रित करके जो कैंप था, इसमें हमारे इन छात्रों ने बहुत अच्छी तरह। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।